This video is not made for kids. Hello and welcome everyone. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Glimpses of India. इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स हैं. A beaker from Goa, सेकंड पार्ट है Cog और थर्ड पार्ट है Tea from Assam. एक एक करके इन तीनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से. A beaker from Goa. Goa बहुत फेमस है और इन्फ्लुएंस्ड है पोर्टुगीज लोगों से. जो उनका ट्रेडिशनल वर्क हुआ करता था पोर्टुगीज लोगों का, वो अभी भी गोवा के अंदर देखा जा सकता है. द पोर्टुगीज आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड. जो पोर्टुगीज लोग हुआ करते थे, वो ब्रेड के जो लोव्स होते हैं, पीसीज होते हैं, उन्हें बनाने में बहुत फेमस थे. तो यहीं पर हम आते हैं एक बेकर की कहानी के ऊपर. द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज. राइटर हमें अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहे हैं जो गोवा के अंदर बीता करते थे, जब बेकर उनके दोस्त के घर पर विजिट करा करता था. जो बेकर था वो उनके दोस्त के घर पर 2 बार आया करता था दिन में. मॉर्निंग के अंदर जिंगलिंग साउंड आती थी बैम्बू की, जिससे सब लोग उठ जाया करते थे. फटाफट सब लोग बेकर से मिलने के लिए एक्साइटेड रहा करते थे. द लोव्स वर, जो ब्रेड के लोव हुआ करते थे, उन्हें घर का जो मैन सर्वेंट था, जो मतलब आदमी काम करा करता था घर के अंदर, वो लेकर आ जाया करता था. जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक स्पेशल वैरायटी ऑफ ब्रेड से प्रभावित थे, मतलब उनको स्वीट ब्रेड थी, एक मीठी ब्रेड थी जो बहुत पसंद थी. उस ब्रेड को बोलते थे बोल. द विलेजर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ बोल. मैरिज अगर हुआ करती थी, कोई शादी हुआ करती थी, और मैरिज के अंदर गिफ्ट के तौर पर अगर बोल नहीं दिया गया, तो वो शादी मीनिंगलेस, मतलब कि पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाती थी. सो द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज वॉज द मोस्ट एसेंशियल थिंग. पूरे के पूरे गांव के अंदर जो बेकर की फर्नेस हुआ करती थी, भट्टी हुआ करती थी जहाँ से ब्रेड बना करते थे, वो गाँव के अंदर बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. जो घर की औरतें हुआ करती थीं, वो सैंडविचेस बनाया करती थीं अपनी डॉटर की एंगेजमेंट में. अब दोबारा सैंडविच की बात हुई है, तो सैंडविचेस के लिए भी ब्रेड की रिक्वायरमेंट होती है. इन दोज डेज ब्रेड सेलर वोर अ पर्टिकुलर ड्रेस. जो लोग ब्रेड सेल करा करते थे, मतलब सेलर होते थे ब्रेड सेलर, वो एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते थे जिसे कबई बोलते थे. एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी जो नीस तक थी. आज के दिन भी हम लोग देख सकते हैं लोगों को इस तरीके की ड्रेस पहने हुए. पीपल यूजुअली कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. जो बेकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता था ब्रेड बनाकर. बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे, मतलब अच्छा खासा कमाते थे तभी तो खाने पीने की चीज़ें खरीद पाते थे. सबके सब बहुत खुश रहा करते थे बेकर की फैमिली के, और बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ वो लोग अपनी लाइफ बिताया करते थे. सेकेंड पार्ट है कॉग. कॉग एक बहुत ही सुंदर जगह है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ती है. कॉग स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. यहाँ के फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं. अलग अलग तरीके की स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन हमें यहाँ पर होती हुई दिखती है. बेस्ट सीजन कॉग को विजिट करने का है सितंबर एंड मार्च. वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है इस सीज़न के अंदर. पीपल ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स के हैं, मतलब कि ग्रीक और अरेबिक सभ्यता के यहाँ पर लोग रहा करते हैं. कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, इस तरीके के भी रूमर्स हैं, कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई और इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए रिटर्न करना. इसी वजह से उन्होंने यहाँ के जो कुछ लोग थे उनके बच्चों से शादी कर ली. दे मैरिड अमंग द लोकल्स, जिससे कि उनके जो ट्रेडिशन थे और जो राइट्स थे वो इंडियन से थोड़े से डिफरेंट हो सके. सम पीपल से दैट कुर्गीज आर ऑफ अरेबिक डिसेंट. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कुर्गीज हैं वो अरेबिक डिसेंट की हैं, मतलब अरब सभ्यता से आए हैं, क्योंकि ये लोग ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहनते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होता है वेस्ट तक, जो कि सेम है
कुफिया जो कि ड्रेस अरब लोग पहनते हैं उससे मिलती जुलती है। यहाँ के लोग उनकी हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत बहादुर भी हैं जिनके बारे में बहुत हमें कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। जनरल कैरियप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज अ कुर्की। तो यहाँ पर जो कॉर्क के लोग होते हैं उन्हें कुर्की बोल देते हैं एक तरीके से, तो कुर्की थे जो हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ थे। द कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो यहाँ पर कोडावस लोग होते हैं वो ही इंडिया के अंदर कैरी कर सकते हैं फायर आर्म्स को विदाउट एनी लाइसेंस। यहाँ पर हमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि महासीर एक लार्ज वाटर फिश यहाँ पर देखने को मिलती है, किंगफिशर्स, स्क्वायरल्स, लंगूर, एलिफेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। कॉक इज वेल नोन फॉर हाई एनर्जी एडवेंचर। यहाँ पर हम लोग हाई एनर्जी एडवेंचर की चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एसेट्रा। द ब्रह्मागिरी हिल्स गिव द क्लाइंबर्स एन ऑ इंस्पायरिंग व्यू ऑफ कॉर्क। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर आइलैंड्स ऑफ निसर्गधामा। वहाँ पर का हमें व्यू भी देखने को मिलता है। बाइलकुप्पा इन कॉर्क इज इंडियाज लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मंक। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं वो देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर हमें रेड कलर की ड्रेस में और उस रेड कलर की ड्रेस के ऊपर येलो कलर के रोप के साथ घूमते हुए दिख जाएंगे। यहीं पर हमारा कॉर्क वाला पार्ट खत्म होता है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। टी फ्रॉम असम, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है टी के बारे में और हमें बताती है ये कहानी कि कैसे टी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। दो लड़के राजवीर और प्रांजोल ट्रैवल कर रहे हैं असम में। राजवीर प्रांजोल को बताता है कि 80 करोड़ कप टी के पिए जाते हैं एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 80 करोड़ कप पिए जाते हैं चाय के डेली। ट्रेन चल रही है और पास ही में ग्रीन कलर की हिल्स थी और ऐसा लग रहा था मान लो टी के बुशेस का समुंदर है। जहां देखो वहां पर टी के बुशेस, टी की झाड़ियां जितनी दूर तक देखो वहां तक दिख रही थी। राजवीर बहुत एक्साइटेड था लेकिन जो प्रांजोल था वो यही टी के प्लांटेशन मतलब असम के अंदर पैदा हुआ है और उसने बचपन से इन पेड़ पौधों को और टी के पेड़ों को उगते हुए देखा है। तो यहाँ पर वो उतनी एक्साइटमेंट शो नहीं कर पा रहा था जितना एक्साइटेड राजवीर था। राजवीर बताता है कि बहुत सारी पुराने ज़माने की मान्यता और कहानियाँ भी हैं जैसे इंडियन और चाइनीज बिहाइंड टी एक कहानी है। तो वो यहाँ पर ये बताता है कि एक चाइनीज एम्पायर था मतलब सम्राट, एम्पायर तो सम्राट, जिन्होंने बाय चांस डिस्कवर करा टी को बैक इन 2700 BC। अनदर स्टोरी, एक और कहानी है टी प्लांट्स के बारे में कि जो टी के प्लांट्स हैं वो आईलिड्स ऑफ बोधिधर्मा, बोधिधर्मा की आईलिड्स मतलब जो उनकी आईलिड्स थी उनसे ग्रो करे थे। बोधिधर्मा एक बुद्धिस्ट सन्यासी थे। दीज वर्ड्स चाय एंड चीनी, जो वर्ड चाय और चीनी हैं ये चाइनीज वर्ड हैं। 16th सेंचुरी के अंदर टी कहाँ पर आती है, यूरोप के अंदर। अभी तक ये लोग मरीना जंक्शन से उतर चुके थे और अब ये देखी बारी टी स्टेट पर जा रहे थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, दोनों साइड रोड पर इन्हें देखने को मिल रही थी टी की बुशेस, चारों तरफ चाय की पत्तियों की झाड़ियां। इन चाय की पत्तियों की झाड़ियों में से औरतें वुमेन जो भी थी वो पिक कर रही थी टी लीव्स को। जो प्रांजोल के फादर थे वो राजवीर को बताते हैं कि बेटा मैं अब आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ टी प्लांटेशन के बारे में।
तो यहीं पर जो टी फ्रॉम असम है ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।